आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का साहित्येतर पाठ्यक्रम का FY BCom Semester 2 का एक पाठ अनुवाद स्वरूप परिभाषा एवं महत्व अनुवाद के गुण। यह पाठ हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ना शुरू किया था। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ बातों की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे अनुवाद का क्या अर्थ है, अनुवाद की परिभाषा देखें तो अनुवाद कर्म में हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अनुवाद का मूल अर्थ हमने समझा होता है पूर्व में कथित बात को दोहराना, पुनरुक्ति या अनुवचन जो बाद में पूर्वोक्त निर्देश की व्याख्या टीका टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त हुआ। अनुवाद शब्द का अर्थ विस्तार होकर हमने यह जाना कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है, साथ ही साथ किस प्रकार अनुवाद का प्रयोग कुछ नया नहीं है, यह तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में कई बार प्रयुक्त हो चुका है। फिर हमने अनुवाद का स्वरूप देखना शुरू किया है, किस प्रकार हिंदी में कही गई बातों को जब हम अंग्रेजी में अनुवादित करते हैं तो उस बात का भाव बदल जाता है और हिंदी भाषा में जो सौंदर्य है वह अंग्रेजी भाषा के अनुवाद करते ही कम हो जाता है। आइए अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। 161 पेज पर अनुवाद मूलतः सृजन है। अनुवाद मूल कृति के भाव को पहले आत्मसात करता है, यहीं तक मूल कृति की भूमिका है। एक बार आत्मसात कर लेने के बाद भाव अनुवाद के हो आते हैं, फिर अभिव्यक्ति की प्रक्रिया की समस्या ही रह जाती है जो सृजनकार के मत्थे मर जाती है। अर्थात अनुवादक और मूल कृति के सृजनकार में केवल इतना अंतर है कि मूल वृत्ति का सृजनकार अपने भावों को किसी कृति से भिन्न स्रोत या स्वचिंतन से संचित करता है, जबकि अनुवादक उस कृति से जिसे हम मूल कृति कहते हैं मूल भाव को ग्रहण करता है। कह सकते हैं कि मूल सृजनकार अनेक स्रोतों से मसाला एवं अन्य चीजें जुटाकर उनसे कोई नया स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार करता है। अनुवाद उस पड़ोसी जैसा है जो उस खाद्य वस्तु का रसास्वादन करता है। यहाँ पर लेखक आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं, वह बातें समझ लेते हैं। देखिए, एक बार जब अनुवादक ने किसी भी मूल कृति का भाव
समझ लिया। तो फिर उसे उस बात को अनुवादित करने में उतना कष्ट नहीं होता जितना कि बस फिर अभिव्यक्ति की प्रक्रिया ही एक समस्या रह जाती है। आगे का पाठ पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि जो मूल सृजनकार थे उन्होंने सारे मसाले इकट्ठे करके और एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किया, और अनुवाद उस पड़ोसी जैसा है जो उस खाद्य वस्तु का रसा स्वादन करता है और सोचता है कि ऐसा ही हम अपने घर के लिए भी बनाएंगे और उस स्वाद से उन मूल चीज़ों का अनुमान लगाकर उनको इकट्ठा करके अपने घर पर अपने घर वालों के अनुकूल मिर्च कुछ ज़्यादा, नमक कुछ कम आदि लगाकर उस खाद्य पदार्थ को तैयार कर लेता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो डिश है, ये जो खाद्य वस्तु की जो खाद्य पदार्थ तैयार हुआ है वह बनाया किसी और ने है, और पड़ोसी भी उसका मज़ा ले सकता है सिर्फ उसे अपने घर वालों के अनुकूल उसे बनाना पड़ेगा। इस प्रकार अनुवाद सही मायने में मूलतः सृजन प्रक्रिया ही है। राजरा पाउंड ने साहित्यानुवाद को साहित्यिक पुनर्जीवन कहा है, और श्री यसेंदे ने कहा है कि भावानुवाद की पद्धति एक प्रकार से मूल रचना के समांतर सृजन है। कह सकते हैं कि यह अनुवाद उस पड़ोसी के जैसा है कि खाद्य वस्तु तो किसी और ने बनाई, इसने सिर्फ अपने घर वालों के अनुकूल मिर्च कुछ ज़्यादा, नमक कुछ कम आदि लगाकर उसे तैयार कर लिया है। इस प्रकार अनुवाद सही मायने में मूलतः सृजन प्रक्रिया ही है। उस पड़ोसी ने पूरी चीज़ पकाई है पर उसे जरा परिवर्तित कर लिया है अपने स्वाद अनुसार। राजरा पाउंड ने साहित्यानुवाद को साहित्यिक पुनर्जीवन कहा है, और श्री यसेंदे ने कहा है कि भावानुवाद की पद्धति एक प्रकार से मूल रचना के समानांतर सृजन है। अर्थात जितनी मेहनत मूल रचना में की गई है, जितना भाव मूल रचना ने को बनाने के लिए सृजनकर्ता ने किया है, उतना ही परिश्रम अनुवादक भी उसके भाव को आत्मसात करने के लिए करता है। कुछ अनुवादक अर्थ की समीपता को महत्व देने की दृष्टि से शब्दानुवाद करते हैं, जिससे स्रोत भाषा में न तो मूल भाषा के भाव की रक्षा हो पाती है और न ही अपेक्षित सौंदर्य आ पाता है। अर्थात यहाँ पर अनुवादक क्या करता है कि वह अर्थ की समीपता को ध्यान रखता है और शब्द शब्द का अनुवाद करता है, जिससे भाव और सौंदर्य नहीं आ पाता है। अगला पृष्ठ देखते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुवाद का उद्देश्य है मूल अथवा स्रोत भाषा के भाव को लक्ष्य भाषा में यथासंभव तद्वत् प्रस्तुत करने के लिए समाज अथवा निकटतम अभिव्यक्ति की खोज करना,
तथा इस खोज के प्रयास में लक्ष्य भाषा की प्रकृति अथवा सहजता की बलि न चढ़ाकर उसकी पूर्ण रक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ पर आप यह बात समझ सकते हैं कि मूल अथवा स्रोत भाषा के भाव को लक्ष्य भाषा में जब हमें अभिव्यक्त करना होता है तो उसे बहुत ही सहजता से करना है। उसकी जो भाषा की प्रकृति है उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना है, उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करना है, यह बात हमें सुनिश्चित करना है। आइए अब हम अनुवाद की परिभाषा देख लेते हैं। आजकल अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के हिंदी पर्याय के रूप में प्रचलित है। इसका अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा के भाव विचार को ले जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा में भाव विचार को ले जाना। तो एक भाषा से वह भाव विचार हमें लेना है और दूसरी भाषा में वह भाव विचार ले जाना है। ट्रांसलेशन के समान प्रतीत होने वाला दूसरा भी शब्द अंग्रेजी में उपलब्ध है, ट्रांसक्रिप्शन। इसे हिंदी में लिप्यंतरण कहा जाता है। दोनों शब्द ऊपरी तौर से, सतही तौर से समानार्थी होने का भ्रम पैदा कर सकते हैं, किंतु दोनों में भिन्नता है, दोनों में समानता बिल्कुल नहीं है। इस भिन्नता को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। गोपाल ने सविता को मारा, इस वाक्य में उपयुक्त दोनों प्रकार से भाषांतरित करने पर इसके दो रूप मिलेंगे जो हमें इस प्रकार पता चलते हैं। पहला, गोपाल किल्ड सविता, ये तो हो गया ट्रांसलेशन। गोपाल ने सविता को मारा, यह आपकी व्हाट्सएप भाषा जैसा है जहाँ आप हिंदी को भी अंग्रेजी में लिखते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम वाक्य के द्वारा अनुवाद किया गया है और दूसरे वाक्य में मूल वाक्य की मात्र लिपि बदलकर रोमन लिपि में लिख दिया गया है। कहना न होगा कि अनुवाद के संदर्भ में भाषांतर की बात करते समय हमारा अभिप्राय मूल भाव विचार को दूसरी लक्ष्य भाषा में उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार अंतरित करना है, न कि मात्र लिप्यंतरण करना, अर्थात भाव को उसमें निहित रखना है, अर्थात भाव को उसमें ही रखना है, न कि सिर्फ एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना है। अनुवाद की परिभाषा और अभिप्राय को वर्तमान संदर्भ और विशिष्टताओं में समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि दो भाषाओं के पारिभाषिक नामों को समझ लिया जाए। अनुवाद किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर करना है
जब दूसरी भाषा में करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना। अब ये पारिभाषिक शब्द क्या है? पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरी, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में। और याद रखिए, इसमें हिंदी साहित्य के भी विशिष्ट शब्द होते हैं जो हमें जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है अनुवाद करने से पहले। अनुवाद किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, अर्थात मूल अनुच्छेद जिस भाषा में है, यह हमारा स्रोत है, इसे ही आगे ले जाना है। अतः उस भाषा को मूल भाषा या स्रोत भाषा कहेंगे। उस भाषा से नवीन भाषा में अनुवाद करना हमारा लक्ष्य है। अतः उसे प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा कहा जाता है। संक्षेप में, अनुवाद के क्षेत्र में जिससे अनुवाद करना है वह स्रोत भाषा है, जिसमें अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा है। यह हम पाठ के कुछ प्रारंभिक पन्नों में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने इन्हें बेहतर तरीके से समझा। अब हम स्रोत या लक्ष्य भाषा शब्द का प्रयोग ही आगामी विवेचन में करेंगे, और आपको समझ जाना है कि स्रोत भाषा कौन सी है और लक्ष्य भाषा कौन सी है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। उपयुक्त अनुच्छेदों में अनुवाद शब्द का केवल व्युत्पत्ति जन्य शाब्दिक अर्थ में इतिहास परक विश्लेषण हुआ है। इसे अनुवाद का समग्र और अधुनातन स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। इसका कारण है कि स्रोत भाषा में कही गई बात को अन्य लक्ष्य भाषा में किसी और रूप या शैली में अति संक्षेप या विस्तार में कुछ विकृत, परिवर्तित या संशोधित रूप में भी कहा जा सकता है, वह अनुवाद नहीं होगा। यहाँ पर यह आपको समझना पड़ेगा कि अनुवाद आखिर क्या होता है। उसे जो आपने यहाँ पर देखा कि अति संक्षेप या विस्तार में अगर कहा जाए, कुछ संशोधित रूप में कहा जाए, तो वह अनुवाद नहीं होगा, वह रूपांतर होगा। अब तक पढ़कर यह स्पष्ट है कि जिस रचना का अनुवाद करना है, वह किसी भाषा स्रोत से प्रस्तुत की जा चुकी है, उसे किसी अन्य भाषा लक्ष्यों में लाने का उद्देश्य अनुवादक के मन में होता है। अर्थात वही बात जो हमने पहले पढ़ी कि स्रोत भाषा में कही गई बात को किसी भी प्रकार के परिवर्तन या घटाए बढ़ाए बिना लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना। इस उद्देश्य में सफलता तभी संभव है जब लक्ष्य भाषा के पाठक या श्रोता अनुदित रचना को पढ़ या सुनकर
मूल के समान अपेक्षित भाव को ग्रहण कर लें अथवा मूल का सा आनंद प्राप्त करें, तब उस अनुवाद की हुई भाषा का सही अर्थ होगा। इसका मतलब है लक्ष्य भाषा में मूल भाषा के समान अर्थ प्रतिपादित करना। इसे अनुवाद की शब्दावली में समतुल्यता कहते हैं। यही समतुल्यता अनुवाद का प्राण तत्व है। यह समतुल्यता भी अर्थ अथवा कथ्य में तो होनी ही चाहिए। भाषा एवं शैली में भी इसका सर्वथा निर्वाह होना अपेक्षित है। सफल अनुवादक ही है जो मूल या स्रोत भाषा के लेखक की भाव भूमि में पहुंचकर उसके हृदयगत भावों को स्रोत सामग्री जैसी समग्रता और उदारता के साथ लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत कर सकें। अगला परिच्छेद देखते हैं। अनुवाद के स्वरूप का विवेचन करने के बाद अनुवाद के संदर्भ में जो विभिन्न विद्वानों की धारणाएं हैं उसे देखना आवश्यक है। अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया है। अनुवाद की परिभाषा देने वाले विद्वानों में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों का नाम सर्वोपरि है। भारतीय विद्वानों में प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। अब हम भारतीय विद्वानों की परिभाषा को देखेंगे। भारतीय विद्वानों को दो भागों में विभाजित कर देखा जा सकता है। संस्कृत के विद्वान, हिंदी के विद्वान। संस्कृत की परिभाषाएं देख लेते हैं। संस्कृत में अनुवाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। शब्द कल्पद्रुम कोश में लिखा है। कुतिस्तार्थक्यम इति शब्द रत्नाली पुनः रुक्तिः उक्तस्य पुनः कथन, अर्थात अनुवाद पुनरुक्ति एवं पुनः कथन होता है। अगला पृष्ठ देखते हैं। एक और संस्कृत की परिभाषा है। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में लिखा है, प्राप्तस्य पुनः कथने अथवा ज्ञार्थार्थस्य प्रतिपादने, अर्थात पहले कहे गए अर्थ को फिर से लिखना। ऋग्वेद में लिखा है, अनवेको वदति यद ददाति, अर्थात पश्चात कथन अनुवाद है। पाणिनि के अनुसार अनुवादे चरणानाम, पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। पाणिनि ने इस ग्रंथ में अनुवाद की परिभाषा दी है। पाणिनि के अनुसार अनुवाद प्रायः कथन है। भर्तृहरि के अनुसार आवृत्ति रनुवादोवा, भर्तृहरि आवृत्ति को अनुवाद मानते हैं। उपरोक्त अनुवाद की परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद शब्द का अर्थ पुनः कथन, आवृत्ति दोहराना आदि है। इसी प्रकार वैदिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ
उपनिषद सूत्र ग्रंथ तथा वेदांग में भी अनुवाद का अर्थ पुनः कथन ही लिया गया है। नंबर 6 देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार यद्वाचि प्रोदितायाम अनुव्रुयाद अनयस्ये वैनम, अर्थात दूसरों की समझ में ना आए वचन फिर से बोलने चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तद एवैषा देवी वाग्नु वदति, अर्थात यही वाणी की विशेषता है कि किसी भी कथन का पुनः कथन किया जा सकता है। वेदांग के अनुसार यथा एतद ब्राह्मणेन रूप संपना विधियंत इत्योदितानुवादः स भवति, अर्थात कुशल ज्ञाता द्वारा किसी तत्व का बोध कराने के लिए उसका जो स्पष्टीकरण दूसरे शब्दों में एक बार कथन का पुनः आवश्यकता होने पर पुनः पुनः कथन किया जाता है वही अनुवाद है। अगला पृष्ठ 165 देखते हैं। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अष्टाध्यायी को सिद्धांत कौमुदी के रूप में प्रस्तुत करने वाले भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनि के सूत्र को सूत्र में प्रयुक्त अनुवाद शब्द का अर्थ अवगतार्थस्य प्रतिपादनम, अर्थात ज्ञात तथ्य की प्रस्तुति अनुवाद है। नंबर 10 न्याय सूत्र के अनुसार विध्यर्थवादानुवाद वचन विनियोगात योगात इधि विहित स्यानुवचन मनुवाद, अर्थात विधि और विहित का अनुवचन ही अनुवाद है। न्याय दर्शन के एक सूत्र में अनुवाद और पुनरक्त अथवा पुनरक्ति में अभेद माना गया है, परंतु इस सूत्र के एक व्याख्याकार वात्स्यायन ने अनुवाद और पुनरुक्ति में भेद मानते हुए कहा है अनुवाद पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पुनरुक्ति निरर्थक होती है जबकि अनुवाद सार्थक सौद्देश्य पुनः कथन होता है। अर्थात वात्स्यायन ने कहा कि अनुवाद किसी बात को पुनः सिर्फ दोहराना नहीं है, अनुवाद सार्थक और सउद्देश्य पुनः कथन होता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अनुवाद शब्द का अर्थ पुनः कथन ही लिया गया है, अर्थात अनुवाद मूलतः पुनः कथन है। आज के संदर्भ में भी वह किसी के कथन का पुनः कथन ही है। एक भाषा में किसी के द्वारा कही गई बात का किसी दूसरी भाषा में पुनः कथन, मोटे तौर पर कहना हो तो किसी एक भाषा की सामग्री को किसी दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देना ही अनुवाद है। यहाँ पर न्याय दर्शन के एक सूत्र में अनुवाद और पुनरुक्ति के भेद को समझाया गया है।
देखने में दोनों एक ही लगते हैं। इसके साथ ही संस्कृत की परिभाषाएं यहाँ पर